नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जीके की, और किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस पेपर बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि प्रतिदिन मैं 100 क्वेश्चन लाता हूँ मॉर्निंग में आपके लिए, और जो नियर अबाउट 20 मिनट का वीडियो बनेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर जो प्रतिदिन आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 100 क्वेश्चन प्रतिदिन आप कर रहे हो, एक महीने में कितने प्रश्न आपके हो जाएंगे? एक महीने में आपके प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों 3000। तो 3000 प्रश्न एक महीने में हो जाएंगे, और आप लोग इसी तरीके से काउंट कर सकते हो कि 6 महीने में कितने प्रश्न हो जाएंगे। तो 36 18, मतलब नियर अबाउट वो सारे प्रश्न इस चैनल पे 6 महीने के अंदर अंदर कम्प्लीट कर दिए जाएंगे, जो भी एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो, जब भी क्या, मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कैरी ऑन कर सको। चलो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन में बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मार के चले आएंगे, लेकिन ए जो है वो राइट आंसर नहीं है। प्रकाश के नीले व लाल, ठीक है, लोगों को लगता है कि लाल क्षेत्र में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में। राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के हरे व लाल, हरे व पीले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किया जाता है, इस रोपण का नाम क्या है? तो इस रोपण का नाम क्या है दोस्तों? रक्षक मेखला है। इस रोपण का नाम क्या है? रक्षक मेखला है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुस्तक जिसमें समस्त विश्व में पर्यावरण की चेतना विकसित की, उसका नाम साइलेंट स्प्रिंग है, इसके लेखक है। देखिए, साइलेंट स्प्रिंग एक बुक है जिसने क्या किया, संपूर्ण क्या किया, पर्यावरण की चेतना को विकसित किया। तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है आपको बताना होगा दोस्तों, तो वो है जॉन सीमोर। कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक। आगे मूव करते हैं दोस्तों कि एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है आपको बताना है, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एड्स वायरस क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। तो ये एड्स जो होता है वो दोहरी सूची डीएनए होता है। एड्स क्या होता है? दोहरी सूची डीएनए। आगे मूव करते हैं दोस्तों, शराब पीकर वाहन चलान के एक श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार और पढ़ दे रहा हूं मैं, शराब पीकर वाहन चालन के एक श्वसन परीक्षण के में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करता है? तो वो इस्तेमाल करता है फिल्टर पेपर पर हल्दी। फिल्टर पेपर पर हल्दी इस्तेमाल करके वो पता करता है कि आपने अल्कोहल पी रखी है या नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों, प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी प्रकार के और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को लाने के लिए तत्पर रहूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर आत्म परिवर्तन आंदोलन, जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? देखिए बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनसे अलग हो गए
और उन्होंने क्या चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन, उन्होंने क्या चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन। और आत्मसम्मान आंदोलन जिसने चलाया वो कौन था, वो कौन था दोस्तों, वो थे ई वी रामास्वामी नायकर। राइट आंसर होगा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार देखा होगा परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को संविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया, किस माध्यम से किया गया था दोस्तों, वो किया गया था आपका, वो कब किया गया था आप लोग कमेंट करके बताइए। वो किया गया था 1852 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। आगे मूव करते हैं, अगला प्रश्न है, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया। तो सत्यशोधक समाज अर्थात ज्योतिबा फुले ने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी उसका क्या कारण था, क्यों किया था, क्योंकि उनको दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा करनी थी। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1918 का अहमदाबाद वाला हड़ताल। दोस्तों एक और प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था, कमेंट करके आप हम लोग को आप हमको उत्तर बताइए। अगला प्रश्न है, एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है, आपको बताना है, वो है दोस्तों बकरी की नस्ल है। आगे मूव करते हैं, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, आपको बताना है, तो होता है दोस्तों 14.4। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है, तो लेक सुपीरियर जो स्थित है दोस्तों वो कहाँ है, सभी को पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किससे संबंधित है, वो संबंधित है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है, पनीर किसका उदाहरण है, तो पनीर जो उदाहरण होता है दोस्तों किस चीज का उदाहरण होता है, जेल का उदाहरण होता है। आगे हम बात करेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रबंधन में सर्वाधिक विदेशी सहायता ली गई किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, आपको बताना है, तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत के सुविख्यात नाम है। अब देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात हो रही है यहाँ पे, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से कौन संबंधित है आपको बताना होगा, तो वो थे दोस्तों एम एस सुब्बल लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है, आपको बताना है दोस्तों, तो वो है 90 डिग्री। अगला है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आ रहा है दोस्तों, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, तो वो है दोस्तों कौन होंगे, वो होंगे आपके बिल गेट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों एक भी प्रश्न स्किप ना करिएगा क्योंकि सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं,
और एक भी स्किप आप करते हो तो बहुत आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो दोस्तों ये पुराना प्रश्न है, योजना आयोग इसमें लिखा हुआ है, अब नीति आयोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? गांधी जी के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि सरोजनी नायडू जी ने किया था। सरोजनी नायडू जी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी के साथ। अगला है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसको पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। डी डे वह दिन है जब क्या हुआ था? जब हुआ था मित्र सेनाओं नॉर्मंडी में उतरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला सख्त संबोध किसने प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला सख्त संबोध जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था आपको बताना है दोस्तों, तो वो कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए अटपटा सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग प्लीज स्किप ना करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है दोस्तों वो कौन है? वो है किन्नौर। कौन स्थित है दोस्तों? किन्नौर स्थित है। अगला प्रश्न है, मखरैला लेटराइट मिट्टी का विकास जिसका परिणाम होता है, ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है आपको बताना है, तो इसका परिणाम जो होता है वो होता है निथरन यानी लीजिंग। अगला है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा एक जीव से दूसरे जीव को। अगला है प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित अपवर्धन इरोजन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? किसके कारण चंबल के खादर बने हैं आपको बताना है दोस्तों, वो बना है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात आस्तरे यानी सीट। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली अधिकतर काफी की किस्म है? भारत में जो काफी पाई जाती है वो किस किस्म की काफी पाई जाती है दोस्तों आपको बताना होगा, तो वो पाई जाती है ओल्ड चिक्स। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को क्या दिया, जन्म दिया? तो हरित क्रांति का जन्म जो मिला दोस्तों वो किस योजना के अंतर्गत मिला, वो मिला तृतीय योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना? तृतीय अंतर पंचवर्षीय योजना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? अब देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष की बात करें तो वो हो जाएगा व्यय कर। अगला है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य जो है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो निर्यात को बढ़ावा देना होता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है वो है दोस्तों सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। अगला है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आ रहा है दोस्तों आपके सामने, आप लोग अच्छे से आंसर करिएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्यों पाई जाती है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम जो था
1935 इसी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें ली गई हैं जो हमारा अभी संविधान चल रहा है उसमें। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है आपको पता ही होगा दोस्तों, 6 मास, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, एक राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, पंचायती राज, देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अशोक मेहता। सॉरी, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी, अशोक मेहता ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्य का प्रावधान है, इसका मतलब कि पृथक यानी सेपरेशन की बात कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य की नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, तो वो था दोस्तों रूसो, रूसो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, रूसो के। अगला प्रश्न दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आप लोग के सामने है, कमेंट करिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, यदि राज्यसभा सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन, इस प्रकार के प्रश्न में अधिकतर 14 दिन ही आंसर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित करता है, तो कौन प्रदूषित करता है सबसे ज्यादा दोस्तों, वो करता है सीसा, जिसको लेड भी बोलते हैं, सीसा अर्थात जिसको लेड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, स्त्रीलिंग हार्मोन्स कौन सा है दोस्तों आपको बताना है, वो है एस्ट्रोजन, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्लीज एक बार लाइक और कमेंट कर दीजिए, हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, यही पूछे जाएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग इस चैनल पे आके रोज प्रैक्टिस करते रहिए, आपको और कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, वह सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, कुछ लोग कार्बोनेट लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये न्यूमेरिकल प्रश्न है लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दो तरंगे जिसमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिमी और बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही है और उनकी गति 20 मिमी/सेकेंड है, संलग्न आसंधियों अर्थात नोड के बीच मिमी में कितनी दूरी होगी, तो आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका 2.0, आप लोग इसको एक बार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ पिघलने का कारण है, एक साथ पिघलने का कारण क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। आगे मूव करते हैं, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पे होता है आपको बताना है दोस्तों, वो है ताप नाभिकीय संलयन प्रचालन में। देखिए ये परमाणु जो होता है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है, ये बात भी याद रखिएगा। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो लौंग जो प्राप्त होता है दोस्तों वो प्राप्त होता है फूल की कली से। अगला है दोस्तों, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक की हथेलियां तथा तलवे की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है, क्यों मोटा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मोटा अवतक उत्तक होता है उसमें, ठीक है, मोटा अवतक उत्तक के विकसित होने की वजह से ऐसा होता है।
ठीक है दोस्तों, प्लीज एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक भी यहाँ पे जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, आप लोग ये ना समझिएगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है और यही प्रश्न एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ दोस्तों। अब आज का हमारा अगला प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों, वो है एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है, तो वो कौन है दोस्तों, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जी को म्यूजिक के लिए जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न और भी तरीके से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में चयनात्मक स्वत्वहरण भारत की योजना प्रक्रिया के उद्देश्य रूप में कब प्रवर्धित हुआ। तो कब प्रवर्धित हुआ दोस्तों आपको बताना है, तो वो हुआ था 8वीं योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि सिंचाई की संभव क्षमता का बेहतर उपयोग किया जाए। आगे मूव करते हैं दोस्तों, सीमांत जिसे टर्मिनेटर, बीजों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है। यानी सीमांत अर्थात टर्मिनेटर बीजों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है, सरकार ने क्यों प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन बीजों में अनुवांशिक अनुष्ठान करके ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं कि आगे वंश संवर्धन न हो, इसलिए सरकार ने क्या किया, इस पे वैन लगा दिया। अगला प्रश्न है, यह मान्यता कि आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तारित हो जाएगी, किस नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाएगी दोस्तों, उसको जाना जाएगा नीचे टपकना, यानी ट्रिंकल डाउन। अगला है, भारत में हरित क्रांति का अर्थ है। भारत में हरित क्रांति का अर्थ क्या है दोस्तों आपको बताना है, तो हरित क्रांति से आशय क्या है, वो है अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से पैदावार में वृद्धि। अगला प्रश्न दोस्तों, चालू खातों में रुपया कब से पूरी तरह परिवर्तनीय हो गया। चालू खाते में रुपया कब से पूरी तरह परिवर्तनीय हो गया, वो हो गया 19 अगस्त 1994 से। भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो होंगे अवनिंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिकी एवं अणुजैविकी केंद्र जिसे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी CCMB भी कहा जाता है, कहाँ पे स्थित है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों आपको बताना है, हैदराबाद में स्थित है। आगे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा एयरलाइन का क्या नाम है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम क्या है दोस्तों आपको बताना होगा, तो वो कौन है दोस्तों बताइए, वो है क्वेंटास। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय अर्थात परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है। सबसे पहले हम लोगों का जो शरीर का कौन सा अवयव है जो किससे, नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है, तो कौन सा वो है दोस्तों, वो है त्वचा, आपको पता है दोस्तों त्वचा या स्किन। अगला है, नल सरोवर एक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नल सरोवर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, वो है गुजरात में। आगे मूव करते हैं,
किस नदी का जल इंदिरा गांधी नहर द्वारा बाहर ले जाया जाता है? तो उत्तर होगा दोस्तों सतलज। आगे मूव करते हैं, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? गोवा में है। बाकू किसके लिए विख्यात है? बाकू किसके लिए विख्यात है दोस्तों? बाकू जो है वो पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब कितना होता है? समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 1 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगला है डक्कन पास किसके बीच स्थित है? डक्कन पास जो है वो किसके किसके बीच स्थित है? वो है दक्षिण व लिटिल अंडमान के पास, ठीक है, दक्षिण व लिटिल अंडमान। टार्नेडो किसे कहते हैं? टार्नेडो किसे कहते हैं दोस्तों? टार्नेडो कहते हैं एक अतिकम दाब वाला केंद्र, टार्नेडो एक अतिकम कम दाब वाला केंद्र को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। NEFEMA अर्थात फेमा में जो अब FERA फेरा का स्थान लेगा, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बंदी बनाने के बजाय किस पर बल देना होगा? वो किस पे बल देना होगा दोस्तों? तो वो होगा स्वैच्छिक अनुपालन। देखिए एक दो प्रश्न जो है दोस्तों वो थोड़ा सा मिस अच्छे से आ नहीं पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको पढ़ना यहाँ जरूरी है, प्रश्न करना जरूरी है। अगला है मोटे तौर पर करो और सकल घरेलू उत्पाद GDP के बीच अनुपात को आंकते हुए भारत की कर वसूली कितनी है? तो वो है दोस्तों 8%। अगला है, देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 1999 का करंट का प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मानव संजीन यानी जीनोम परियोजना के पथ प्रदर्शक कौन थे? ठीक है, तो जीनोम के पथ प्रदर्शक कौन थे आपको बताना होगा, वो थे क्रेग विंटर तथा फ्रांसीसी कालिस। अब देखिए एक प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित की गई रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है दोस्तों ये जितने भी आपके प्रश्न हैं सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और प्लीज एक भी प्रश्न को आप लोग स्कीप ना करिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न स्कीप करेंगे तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, तो हो सकता है कि वही प्रश्न आप स्कीप कर दें जो प्रश्न एग्जाम में आए। चलिए, किस जिले में राष्ट्रीय पशु बहुतायत में मिलने के कारण उसी पर उसका नाम पड़ गया? ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? मोरेना। अगला है, देखिए खेल टेनिस के एकल खेल में अधिकतम ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? दोस्तों तो वो है पेट सैम्प्रास। अगला है, अब लोकसभा के लिए संसदीय स्थानों के निर्धारण का आधार कौन सी जनगणना के अनुसार किया गया? किस जनगणना के अनुसार किया गया है दोस्तों? वो किया गया है 1971 की जनगणना। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से किसे प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो वो होता है एंग्लो इंडियन। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? वो ली गई है फ्रांस की क्रांति से। आगे बात करते हैं, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। आगे मूव करते हैं, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा क्या है दोस्तों? वो है 48वां समानांतर। सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जाता है? वो किस काल का माना जाएगा दोस्तों? वो माना जाता है मौर्य काल का। सबको पता है कि किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था।
गंधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? गंधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक जो थे वो कौन थे आपको बताना है, तो वो थे शक और कुषाण। अगर अगर जो हम बात करें मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों, तो वो है मरे हुए का टीला। अगला है भाषाई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे फजल अली। फजल अली इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं कि अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है, तो संपत्ति के अधिकार अब है कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत उत्पादन योजना में से कौन सी निजी क्षेत्र के लिए नहीं खोली गई है, कौन सा निजी क्षेत्र के लिए नहीं खोला गया है आपको बताना है, वो है नाभिकीय विद्युत परियोजना, नाभिकीय विद्युत परियोजना। अगला है किसी कंपनी के मताधिकार रहित शेयरों में निवेश संबंधी निम्नोक्त में से क्या विकल्प सही है, तो कौन सा विकल्प सही है, इससे निवेशकों के लिए अधिक लाभांश सुनिश्चित होता है। अगला है मुद्रास्फीति कब होती है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मुद्रास्फीति कब होती है, तो ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुद्रास्फीति कब होती है, आपके सामने मैं चारों ऑप्शन रख रहा हूँ, आपको बताना होगा मुद्रास्फीति कब होती है, तो मुद्रास्फीति होती है जब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तीव्र गति से बढ़ती है। अगला है एगमार्क क्या है, एगमार्क क्या है दोस्तों, वो है आप सबको पता होगा कि एगमार्क जो होता है अंडा घी शहद जैसे पदार्थों के भंडारण की गुणवत्ता का आश्वासन है, यानी गारंटी है। वर्तमान देखिए ये छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये करंट की बुक में ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो प्रश्न लिया गया दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर है। अगला प्रश्न है निम्नोक्त देशों में से किसने CTBT का अनुसमर्थन नहीं किया, किसने नहीं किया दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे हम बात करेंगे मई 1998 में पोखरण के नाभिकीय परीक्षणों के संचालन हेतु कूट नाम क्या था, वो था शक्ति। आगे बात करते हैं दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति नामक जन प्रिय TV कार्यक्रम का निर्देशन कौन कर रहा है, कौन बनेगा करोड़पति नामक जनप्रिय TV कार्यक्रम का निर्देशन कौन कर रहा है आपको बताना है, तो वो कर रहे हैं दोस्तों सिद्धार्थ बसु। सिडनी ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था, ये इम्पोर्टेंट नहीं स्किप कर दीजिए इसको। वेस्ट बैंक कहाँ स्थित है दोस्तों आपको बताना होगा, वो है वेस्ट बैंक कहाँ स्थित है, वो है जॉर्डन नदी के पश्चिम में, इसराइल फिलिस्तीन में। आगे मूव करते हैं रूपवाहिनी टेलीविजन चैनल किसके नियंत्रण में है आपको बताना है, वह है श्रीलंका सरकार, कौन है श्रीलंका सरकार। आगे हम बात करेंगे दोस्तों नेगर मरुभूमि कहाँ स्थित है आपको बताना होगा, वो है इसराइल में है दोस्तों नेगर मरुभूमि। अगला है अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था आपको बताना है दोस्तों, वो हुआ था 776 अर्थात 776 ईसा पूर्व में। झील के जमे हुए जल में मछली जीवित रह सकती है, क्यों मछली जीवित रह सकती है, क्योंकि तली के निकट वाला पानी नहीं जमता है, तली के जो निकट का जो पानी होता है वो क्या होता है, नहीं जमता है। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, घरेलू ईंधन के रूप में मीथेन को इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल का धड़कन का कारण क्या है, दिल की
सॉरी दिल की धड़कन का कारण क्या है। तो दिल की धड़कन का काम क्या होता है दोस्तों, आपको बताना होगा, वो है वाल्व में से रिसाव होना, वाल्व में से रिसाव होना। खगोलीय पिंडों के बीच का अंतर किसमें नापा जाता है, अर्थात ये पूछ रहा है कि दो खगोलीय पिंडों के बीच का अंतर किसमें नापा जाता है। तो ये नापा जाता है सौर 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 सौर
दिल्ली उठा लाया था, तो आपको पता होगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लेकिन ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है फिरोज शाह तुगलक आप लोग याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे हम लोग 100 प्रश्न कर चुके, और दोस्तों प्लीज एक लाइक एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमको कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छी अच्छी मैं वीडियो लाने का प्रयास करूँ। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।